बार को सचिवालय बंद थे, इसी कारणवश आप लोग के पास कुछ ऐसी अपडेट नहीं पहुंच पा रही है जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों आज दो खबर ऐसी मैं मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जिसमें सरकार की नाकामयाबी आप कह सकते हैं या फिर सरकार की गलत नीति कह सकते हैं या फिर सरकार के स्टूडेंट के प्रति निगेटिविटी आप कह सकते हैं, वो मैं दिखलाने वाला हूँ। देखिए ये वीडियो में जो भी दो पॉइंट पे मैं आज मैं बात करूँगा, ये दो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को समझना काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सातवीं चरण शिक्षकों की बहाली रिगार्डिंग काफ़ी दिनों से वंचित अभ्यर्थियों का बड़े पैमाने पर स्ट्राइक भी हुआ और डिमांड है कि सातवीं चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसी बीच आज का एक न्यूज़पेपर में भी आपने अगर कटिंग देखा होगा तो समझ गए होंगे, और पिछले दिनों भी एक खबर आई थी। पहले हम बात करेंगे, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जून जुलाई तक 2.5 लाख यानी कि 2.50 लाख शिक्षकों की तबादला पूर्ण किया जाएगा। जो नियोजित शिक्षक है उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो अब नियोजित नहीं रह गए हैं बट नियोजित शिक्षकों के नाम से जाने जाते लेकिन अब आप उन्हें नियोजित नहीं कर सकते हैं। देखिए इससे भी सेवन फेज बहाली पर काफ़ी बड़ी प्रभाव पड़ सकती है। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों जब शुक्रवार को बिन जो काफ़ी जो भी एक्टिव मेंबर है सचिवालय का दौरा किए थे, उसमें संजय सर का एक कमेंट आपको याद होना चाहिए। उस कमेंट में उन्होंने एक चीज़ बोला था कि हम जल्द से जल्द जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिर किस स्कूल में कितने सीटों की संख्या है उस सीटों की संख्या को लेकर हम एक विज्ञापन जारी कर यानी नोटिस जारी करेंगे और वही नोटिस के रिगार्डिंग आपको सीट फुल फिलअप करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा। ऐसा उनका मानना था, मेरा मानना यही नहीं है, ये शिक्षा विभाग का मानना था। कभी शिक्षा विभाग बोल रही है कि हम मार्च में ला रहे हैं, अब कह रही है कि जून जुलाई तक हम 2.50 लाख शिक्षकों की जो है वो तबादला करेंगे यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद जो है वो सीट आ सकती है। उनके मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं है ये, मैं खुद शिक्षा विभाग के बड़े लेवल के जो अधिकारी है उनके मुताबिक बता रहा हूँ। अब दोस्तों इससे यही स्पष्ट होता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होती है, वही बात होती है। अभी तकरीबन 10 दिन 1 वीक पहले ही ये बात बोली थी शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है मुख्य सचिव, वो ये बात बोले थे और अब न्यूज़पेपर में आ रही है कि जून जुलाई तक ट्रांसफ़र होगी। अब ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हम ट्रांसफ़र जल्दी करेंगे और अप्रैल में हम नोटिफिकेशन भी लाएंगे, बट ट्रांसफ़र होने के बाद ये सीट निर्धारित किया जाएगा। एक तरफ कह रहा है कि हम जून जुलाई में ला रहे हैं जो कि है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है अपना कमेंट बॉक्स में विचार जरूर रखिएगा, जो सही है वही मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आज का न्यूज़पेपर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज के न्यूज़पेपर में भी कहा गया है कि 1200 नियुक्ति को लेकर यानी कि 1200 को नियुक्ति पत्र देना, 18 तारीख तक नियुक्ति पत्र देना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अप्रैल तक, 18 अप्रैल, इस 18 अप्रैल के बाद सिक्स फेज की जो बहाली है वो पूर्ण समझी जाएगी। अच्छी है, अच्छी बात है कि सिक्स फेज की बहाली, बहुत सारे स्टूडेंट सिक्स फेज वाले को भी और सेवन फेज वाले को भी इंतजार था कि जल्द से जल्द इन सिक्स फेज की बहाली पूर्ण किया जाए ताकि सातवीं चरण का नोटिफिकेशन है। अब इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 49,000 अभी भी सीट खाली रह चुकी है, जैसा कि आज का न्यूज़पेपर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ 49,000 सीट खाली रह गई है सिक्स फेज में। गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि जून जुलाई में हम ट्रांसफ़र करेंगे, फिर कह रही है कि हम अगस्त में नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब ये सारा कुछ गवर्नमेंट ही बोल रही है, शिक्षा विभाग के अधिकारी ही बोल रही है। अगर आप सचिवालय का दौरा करते होंगे या फिर अगर आप अपडेट प्रतिदिन का रखते होंगे, अगर आप हमारी वीडियो भी देखते होंगे तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ शिक्षा विभाग का नए चीज़ देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि ये 2022 का जो नियमावली है ये एक छलावा है बिहार सरकार का, तो देखिए मैं ये तो नहीं जानता कि ये एक छलावा है बिहार सरकार का, चाहे जो कुछ भी हो, जो था उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके और आपको सुनाने का मैं प्रयास किया था और आप लोग सुने, बहुत सारा प्यार मिला आप लोग का और आप लोग भरोसा किए हम पे, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के आभारी पात्र हूँ और कि आप लोग इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। देखिए विश्वास करना भी उचित है क्योंकि ईमानदारी के साथ मैं दिखलाता हूँ, तो विश्वास कीजिए, ये अच्छा हमें भी लगता है और मैं मोटिवेट भी रहता हूँ कि आपको ईमानदारी के तौर पर सारा चीज़ दिखलाया जाए। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन की दोस्तों सिचुएशन है, स्थिति ये बन गई है कि अब अप्रैल का इंतज़ार किया जाए, जून जुलाई का इंतज़ार किया जाए या फिर 2022 का इंतज़ार किया जाए।
ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग का क्या विचार है, क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक स्ट्राइक का डेट फिक्स करें। जो भी 4 प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बन चुके हैं, जिसमें विवेक जी है, ऋषिकेश है, विनीता है और त्रिपुरारी जी है, मतलब 4 अध्यक्ष बन चुके हैं। मैं यही चारों व्यक्ति एक्सटेंड होते जा रही है और बेसब्री का सारे बांध टूटते जा रहा है, जैसा आप लोग जानते हैं। अब हमें नहीं लग रहा है कि फिर से अप्रैल का कोई संभावना बनता है, क्योंकि अप्रैल अब मिड हो चुकी है और लास्ट अप्रैल कहना फिर से बेवकूफ़ी भरा एक शब्द होगा। तो जैसे जैसे समय एक्सटेंड होते जा रही है, वैसे वैसे बेचैनी भी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे सरकार के प्रति रवैया जो है वो गलत थिंकिंग बनते जा रही है, और सरकार कुछ सोचती भी नहीं है हम लोग के प्रति, जैसा आप लोग भी जानते हैं। आगे मैं क्या कहूँ, आज का न्यूज़पेपर देखने के बाद बड़ा एक तरफ लग रहा है कि सीट इतना सारा खाली है, 49,000 इस बहाली से खाली रह गई है, पिछले लाखों की तादाद में सीट खाली है, गवर्नमेंट बहाली नहीं कर पा रही है। अगर आप न्यूज़पेपर एक और देखेंगे तो जिसमें कहा जा रहा है कि सही प्रकार से वेतन अभी जो नियुक्त किए गए हैं गवर्नमेंट में, जो सिख फेस के अंतर्गत शिक्षकों की, उनको सैलरी देने से इनकार कर रही है। पता नहीं ये सब ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, मैं नहीं जानता हूँ। शायद शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने को लेकर ये सारा कुछ कर रही है। आप लोग से एक राय मैं लेने के लिए आया हूँ यही वीडियो में, क्या मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाऊँ, आप लोग का क्या विचार है? आप लोग का अगर प्यार मिलेगा तो बोलिए, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाकर मैं धमाल मचाकर आपको दिखला सकता हूँ, और आप लोग की आवश्यकता को भी वहाँ पे मैं बतलाने का भी प्रयास करूँगा कि जो एक काबिल शिक्षक बनना चाहिए बिहार में वो अभी तक बने नहीं, और जिनको शिक्षक नहीं होना चाहिए वो लोग पैसा के दम पर, बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक बन चुके हैं, स्कूल में पढ़ाने का एप्पल भी मालूम नहीं होता है, और वो शिक्षक बहुत सारे, मैं सारे शिक्षक को नहीं कह रहा हूँ, सारे शिक्षक अच्छे होते हैं, बट कुछ शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षकों के ऊपर कलंकित का दाग लगा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में, अगर आप लोग की अनुमति हो तो मैं धावा बोल दूँ, और हमारी सब टीम भी कार्य करने के लिए तैयार है, हमारी टीम भी बन चुकी है। तो अगर आप लोग का अनुमति हो, आप लोग का अनुमति मैं लेना चाहता हूँ, बस आप लोग का प्यार की आवश्यकता है, और प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी आवाज़ और बुलंदी तक जाने का प्रयास देने का मैं प्रयास करूँगा, और जल्द से जल्द चाहूँगा कि बहाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द 7th phase रिगार्डिंग आए, ताकि जो भी वंचित अभ्यर्थी हैं उन लोग को जॉब मिल सके। ये 2022 में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि 2022 में नोटिफिकेशन आ जाए, यानी जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाए, 2022 में शिक्षक बन जाए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी, गवर्नमेंट समझ जाएगी, गवर्नमेंट